अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने हिफ्ज़ो ईमान में। आज हम बनाने लगे हैं जी मटन वाइट कोरमा, और ये है जी मेरे पास किलो के करीब, तकरीबन किलो है ये मटन। और इसमें मैं डालूँगी एक गुट्टी लहसुन अदरक की, और 3 इंच का मैं पीस डालूँगी ये अदरक का। और ये मैं 4 प्याज दरमियाने साइज़ के, और पानी में इतना डालूंगी जो इसके अंदर ही खुश्क हो जाए, बस ज़्यादा ना हो क्योंकि हमने शोरबा नहीं करना। और बस इसको हमने 10 मिनट की वेट लगानी है जी। और इसमें अब मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्च, अच्छा इसमें मैं डालूंगी जी ये सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं डालूंगी मैं, इसमें डालूंगी सिर्फ ये सब्ज़ मिर्च, ये मैं 3 टेबल स्पून डालूंगी इसमें। और बकाया मैं डालूंगी काली मिर्च, ठीक है। और छोटे 2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें नमक के, बाकी मैं बाद में चेक करके डालूंगी। अब मैंने सिर्फ इसको जस्ट वेट ही लगानी है और मैंने इसको कुछ नहीं करना, उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। प्रेशर तो हमने खोल लिया है जी, और ये गोश्त जो है मुझे जितना गला हुआ चाहिए था, नॉर्मल उतना ही गला है, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 कप जो है ना, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें दही डाल देना है। इसमें मैंने टमाटर नहीं डालने क्योंकि मुझे वाइट चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी जी देसी घी, और देसी घी मैंने ऐसे नहीं इसके अंदर डालना क्योंकि उसमें खुशबू होती है और बहुत से लोगों को नहीं पसंद। मैंने उसको अलहदा से गर्म करके और फिर मैंने इसमें डालना है देसी घी। सिर्फ इतना ही डालूंगी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है जी ये घी के, देसी के। इसकी मैं अच्छी तरह इसको मैं करके सेट, ताकि इसकी खुशबू जो निकल जाए, फिर मैं डालूंगी उसमें। कौन डालने लगी हूँ जी मैं ये इसमें पानी में, 1 कप पानी में कॉर्नफ्लोर के, ये मैं जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा बाद में डाल के इसको, सिर्फ मैंने जस्ट 5 मिनट इसको पकाना है कोरमे को, और हमारा ऐसे हो जाएगा कि कोरमा रेडी। ये अगर आपका दिल करता है डालने, नहीं दिल करता तो ना डालें। इसमें ये है कि थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है। ये घी वाले पैन में मैंने उठा लिया सब, इसको मैं तकरीबन 5 मिनट भूनूंगी अच्छी तरह, क्योंकि ऑयल घी जो देश था उसको मैंने पहले ही अच्छी तरह गर्म कर लिया था ताकि इसकी स्मेल खुशबू वगैरह निकल जाए। अब मैंने 5 मिनट करना है, फिर मैं डालूंगी इसमें ये कॉर्नफ्लोर पानी थोड़ा सा, और फिर बाद में मैं डालूंगी क्रीम, ठीक है। नहीं है तो आप दूध में पका लें, चाहे आप घर में से जो कोई मलाई होती है वो डाल लें तो तब भी अच्छा बनेगा। दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि अगर आपने बीफ बनाना है तब भी इसी तरीके से बन जाएगा, अगर आपने वो चिकन बनाना है तो आपने सिर्फ वेट नहीं लगानी, बाकी सब कुछ ऐसे ही करके आपने, वो भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है वाइट कोरमा उसका भी। ये 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया जी। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 कप पानी, इसमें मैंने 2 टीस्पून डाले थे कॉर्नफ्लोर के। आपने ग्रेवी जिस हिसाब से रखनी है, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 कप डालूंगी इसमें और पानी, क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट पकाना भी है ताकि नान के साथ अच्छे तरीके से खाया जाए। ये कप जाएगा जी इसमें पानी का, और हल्की आंच पे मैंने इसको पकाना है 5 मिनट, और बिल्कुल नॉर्मल सी ये ग्रेवी बन जाएगी इसके। अच्छा जी ये मैंने इसको 6-7 मिनट पका लिया है। अगर आपके पास यखनी बच जाती है तो आप इसमें यखनी डाल दें दोबारा कॉर्नफ्लोर में डाल के, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मेरा तो वैसे पहले ही पानी खुश्क हो गया था। अच्छा अब ये मैं इसमें डालने लगी हूँ जी क्रीम, आपके पास मलाई है जो भी है, अगर क्रीम है मलाई है जो भी डाल लें, और अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप दूध में इसे पकाएं, तब भी ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनता है जी। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ये पूरी डब्बी मैंने इसके क्रीम की डाल देनी है। इसे मैंने काली मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून डाल दी है मैंने काली मिर्च, और ये मैं चूल्हा करने लगी हूँ बंद। ये फुल रेडी,
अच्छा जी, कोरमा हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी डिशें जो वो सिखा सकूं। अब मैं ये बादामों के साथ भी करने लगी हूँ, गार्निश करने लगी हूँ। ये ऑप्शन है, अगर आपके पास हैं घर में तो आप डाल लें। और ये हमारा हो गया जी बिल्कुल रेडी और वेरी वेरी टेस्टी बना है जी, बहुत ज़बरदस्त बना है ये। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।